तो दो लेसन में से अभी सबका टेक्निकल भी प्रॉब्लम आ रहा है, सबके ट्यूशंस भी है ना आपके, तो विद इन ये वीक मुझे लग रहा था कि ये कंप्लीट होना चाहिए। थोड़ा फास्ट लेती हूँ, हाँ चलेगा आप सबको, ये वैसे भी रीडिंग का टॉपिक है ना, तो आप रिप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। कोई ऐसा ना बोले तो समझे, मेरा आवाज आ रहा है ना? ओके, धनश्री ने रिप्लाई दिया, क्योंकि ये रीडिंग करके भी आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा इस लेसन में क्या क्या दिया है। उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक में बताते जाती हूँ आपको। हाँ तो देखो, अब बायोडायवर्सिटी करंट सिनेरियो कहाँ है, कि मतलब अभी का जो करंट पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में कितनी स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज कहाँ पे है वो बताया गया है। तो जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मेजर डायवर्सिटी हब्स है, तो वहां पे उन्होंने कहा है, देखो लाइक एग्जिस्ट 20 to 50 million वराइटीज हैव बीन मूव विन बीन हैव बीन मेड, बट रॉबर्ट मे हैव हैज गिवन कन्विंसिंग एस्टिमेट ऑफ अबाउट 7 million स्पीसीज राउंड द ग्लोब। तो हर एक साइंटिस्ट ने उस प्लांट्स को अजम्पशन दिया, एस्टिमेटेड अजम्पशन दिया कि इतने इतने स्पीसीज है। दो नियरली, देखो यहाँ पे 1.5 million स्पीसीज हैव बीन डॉक्यूमेंटेड एज पर IUCN डाटा। तो शायद ये एक आ सकता है कि कितने स्पीसीज को डॉक्यूमेंटेड किया गया है अप्रोक्सीमेटली इंटरनेशनल जो लेवल पे, ये जो इंफॉर्मेशन कंजर्वेशन जो किया जाता है वो IUCN जो डाटा कलेक्शन है, और वो भी कब किया है, 2004 में। सो फार वी आर येट टू स्टडी लॉट मोर देन दिस, अभी हमें इससे भी ज्यादा पढ़ना है। तो अभी आपको तो लगेगा ये सबसे हमें क्या मिलेगा, तो ये सबसे हमें एक एस्टिमेटेड ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज जो है उनकी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड इतने स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज है सपोज, तो उसमें से यहाँ पे प्लॉटेड ग्राफ में दिया है देखो कि प्रोटिस्टा वैरायटी इतनी है, फिर उसके बाद फंगाई वैरायटी इतनी है, फिर उसके बाद प्लांट स्पीसीज है, और उसके बाद एनिमेलिया स्पीसीज है। तो ये एक एस्टिमेट है, जितने भी सपोज ये जो नियरली 18 लाख कहाँ है ना यहाँ पे, तो नियरली 18 लाख स्पीसीज जो दी है, उस स्पीसीज में से ये स्पीसीज को उन्होंने बाइफरकेट किया है। फिर बाद में टोटल नॉन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, तो ओनली एनिमल स्पीसीज जो है रफली यहाँ पे जो प्लॉट दिया है, इसमें से 100% उसका ग्राफ प्लॉट किया। तो उसमें से उन्होंने कहा गया है कि यहाँ पे देखिए कि फिश वैरायटी ग्रीन कलर में है, फिर एम्फीबियन वैरायटी डार्क ग्रीन कलर में है, फिर रेप्टाइल्स वैरायटी, तो ऐसे अलग 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 ये ग्रीन कलर के ही शेड है। तो ग्रीन कलर की वैरायटी फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स के फॉर्म में दिए। फिर उसके बाद देखो उसी ग्रीन कलर में वैरायटी ऑफ स्पीसीज के साथ यहाँ पे पिंक कलर में जो दिए है, वो पिंक कलर में नॉन क्वाड्रेटा मतलब क्रस्टेशियन, इकाइनोडर्मेटा, स्पॉन्जेस, निडारिया। फिर उसके बाद देखिए रोटीफर, फ्लैट वर्म्स, ये सब नॉन क्वाड्रेट स्पीसीज दिए। तो नॉन क्वाड्रेट स्पीसीज जो है कंपैरेटिवली क्वाड्रेट स्पीसीज से सब मिलके वहां पे ज्यादा दिख रही है। तो मतलब क्या, वर्टीब्रेट स्पीसीज आर कंपैरेटिवली लेस, 48,498, और यहाँ पे ये देखो मोर देन कितनी है बता, मोर देन 12 लाख स्पीसीज है यहाँ पे इन वर्टिब्रेट्स में। तो ये जस्ट रफ एस्टिमेशन ऑफ एनिमल्स विच आर फाउंड ओवर हियर, इन एनिमल्स का प्रोपोर्शन उन्होंने दिया है। फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज, तो ऊपर जो हम लोगों ने प्लांट देखे थे ये ग्रीन कलर का प्लॉट ग्राफ, तो उसी ग्राफ में से पूरे 100% ऑफ ग्रीन में से कौन कौन से वैरायटी ऑफ स्पीसीज आते हैं। तो यहाँ पे जो पेल ग्रीन कलर दिख रहा है हम लोगों को, या तो सिंपली समहाउ येलो कलर मिक्स होके, तो फर्न स्पीसीज है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे और भी है, ग्रीन में मिक्स हो रहा है, दैट स्पीसीज आर कॉल्ड एज ए कोनिफर स्पीसीज। फिर उसके बाद पेल मतलब ग्रीन कलर है यहाँ पे, ना पेल येलो कलर मिक्स नहीं, ग्रीन कलर है, तो उसमें मॉस स्पीसीज कहा है। फिर उसके बाद देखो ये जो डार्क ग्रीन, कंपैरेटिवली डार्क ग्रीन है, वो दिखा रहा है स्पीसीज मोनोकॉट। एंड लास्टली लार्जेस्ट स्पीसीज वैरायटी जो है डाइकॉट, तो स्पीसीज भी डाइकॉट ज्यादा है, और हमारे कांटेक्ट में भी एरिया में हमको जितने जितने भी प्लांट्स बेसिकली दिखते हैं वो सब डाइकॉट ही रहते हैं, क्योंकि रेनी सीजन में हमारा इतना ऑब्जर्वेशन नहीं रहता, तो मोस्टली मोनोकॉट का लाइफ पीरियड कम है। तो वो लाइफ पीरियड कम होगा तो ऑटोमेटिकली उनकी क्वांटिटी भी, नंबर भी कम रहेगा। तो एनवायरमेंट में जिसका क्वांटिटी ज्यादा है वो नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा है। तो ये जस्ट उन्होंने एक प्लॉट दिया है, मुझे नहीं लगता इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर बना तो ये एक बनेगा, IUCN डाटा में कितनी इंफॉर्मेशन, कितने स्पीसीज को कलेक्ट करके उसका मतलब इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो आज मेरा काम आपको है कि ये एक
ओरिएंटेड है वो टॉपिक आपको बताना। तो इंडिया बूस्ट अ हैंडसम शेयर ऑफ 8.1% ऑफ द टोटल बायोडायवर्सिटी वेल्थ ऑफ द अर्थ। तो एक्चुअली इंडिया जो इतनी छोटी कंट्री है उसमें कंपैरेटिवली बायोडायवर्सिटी बहुत अच्छे से मेंटेन हो गई है। वन ऑफ द 12 मेगा डायवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द ग्लोब, इंडिया हैज 2.5% ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हो गया नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। तो किसी टीचर को, किसी बच्चों को मार्क मिलवाने नहीं है, 100 out of 100 देने ही नहीं है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि नहीं कितने हैं इंडिया का, कितना वर्ल्ड को प्रोपोगेट कर रहा है, कितना हेल्प कर रहा है, कितनी बायोडायवर्सिटी है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पर बेसिकली मुझे नहीं लगता ये भी कैलकुलेटिव डाटा के फॉर्म में आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन नीट के लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए, तो ये पढ़ो। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट है, वी हैव रिकॉर्डेड ओनली 22% ऑफ अवर नेशनल वेल्थ। तो दो भी हमारी कंट्री बायोडायवर्सिटी है, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी है, लेकिन इस ग्लोबल बायोडायवर्सिटी में भी अप्रोक्सीमेटली 22% ही नेचुरल वेल्थ हमने आइडेंटिफाई किया है, फाइंड आउट किया है। और विथ हेल्प ऑफ किससे लिया है, टेक्सोनॉमिस्ट से लिया है, बायोडायवर्सिटी से उनसे लेके किया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो जो भी बायोडायवर्सिटी है वो लॉस क्यों हो रही है, क्या रीजन है, किस तरह से हो रही है। तो देखो यहाँ पे लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी लीड टू अ ओवरऑल इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम। तो इम्बैलेंस क्या होता है, जैसे हमको डेली शेड शेड जोन में रहने की आदत है, मतलब क्या बोलेंगे, कूलर रीजन में रहने की आदत है, और पूरा प्लांट कट करने की वजह से गर्मी होगा, तो उस गर्मी का इम्पैक्ट पहले हमें तो बाद में दिखेगा, लेकिन उस एनवायरनमेंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बाकी के जो छोटे ऑर्गेनिजम्स है, उनके ऊपर इम्पैक्ट दिखता है। सो चीफ सीरियस एस्पेक्ट ऑफ लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी इज एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। तो पहला पॉइंट आया बायोडायवर्सिटी का लॉस मतलब क्या होना, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज हो गए, स्पीसीज लॉस्ट होने लगे। तो टाइप ऑफ एक्सटिंक्शन कित कौन कौन से है, एक नेचुरल एक्सटिंक्शन है, फिर उसके बाद मास एक्सटिंक्शन है, एंड मैनमेड एक्सटिंक्शन है। तो पहला नेचुरल एक्सटिंक्शन, कभी अर्थक्वेक आया, कभी सुनामी आया, कभी फायर बोलेंगे, फायर जंगल फायर हुआ, फॉरेस्ट फायर हुआ, तो उसमें जो नेचुरल एक्सटिंक्शन होते हैं वो अलग। फिर मास मतलब जैसे देखो अभी कोरोना वायरस है, तो ये एक मास एक्सटिंक्शन आया ना, कि एक साथ सब किसी अनफेवरेबल सिचुएशन में चले गए, तो दैट इज कॉल्ड एज ए मास एक्सटिंक्शन। हाँ, लेकिन इसमें कोरोना इज इट नेचुरल और मैन मेड, ये ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से डेवलप हुआ है या नेचुरली डेवलप हो गया है, तो ह्यूमन की एक्टिविटी से भी डेवलप होना दैट इज द कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो डैमेज ऑफ बायोडायवर्सिटी टेक्स प्लेस ड्यू टू बोथ नेचुरल भी है, मैन मेड भी है। ह्यूमन एक्टिविटी से भी बायोडायवर्सिटी को इम्पैक्ट होता है और नेचुरल एक्टिविटी से भी होता है। तो उन्होंने कहा है वो नेचुरल एक्टिविटी कौन से, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया आपको कि सच एज फॉरेस्ट फायर है, अर्थक्वेक है, वोल्केनिक इरप्शन है। मैनमेड एक्टिविटी क्या है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। मुझे रहने के लिए बंगलो चाहिए, मुझे रहने के लिए बड़ा घर चाहिए, तो मैं आजू बाजू के प्लांट्स को कट करूंगी, तो नेचुरल है मैं मेरे इंटरफियरेंस से प्लांट को अफेक्ट कर रही हूँ, तो दैट इज कॉल्ड एज अ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। फिर उसके बाद हंटिंग करना है, सेटलमेंट करनी है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, रिक्लेमेशन, तो ये सब प्रोसेस मैनमेड एक्टिविटी है। तो ये क्वेश्चन आएगा मतलब इन वन मार्क के लिए कि बायोडायवर्सिटी के टाइप्स क्या है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी, एंड बायोडायवर्सिटी के टाइप्स के बाद वो उसके बाद एक्चुअली ये क्वेश्चन ज्यादा बनता है। देखो कॉजेस ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉसेस क्या होते हैं, फोर मेजर कॉजेस पॉपुलरली नोन द इविल क्वार्टेट। मतलब इविल मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, डेविल बोलते हैं, राक्षस बोलते हैं, तो ये चार राक्षस है एक्चुअली, चार पिलर है कि जो बायोडायवर्सिटी को लॉस करते हैं। तो उसमें पहला जो इविल दिखता है, पहला जो इंटीमेशन आता है वो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। द प्राइम कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड रिडक्शन इन द वास्ट नेचुरल हैबिटेट एंड लोकल डिग्रेडेशन बाय द पोल्यूशन। तो सबसे पहले क्या होता है, डिग्रेडेशन बाय पोल्यूशन होता है, वो एनवायरमेंटल क्राइसिस आ गई, क्रिएट द क्राइसिस सिचुएशन फॉर द लिविंग बींग के लिए। तो पहला हमें कैसे मालूम पड़ता है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉसेस, तो उसमें पहला इंडिकेशन मिलता है कि उस एरिया का हैबिटेट लॉस होता है, फ्रेगमेंटेशन होती है, और हैबिटेट लॉस होने के रीजन क्या है कि मेन पोल्यूशन है। फिर उसके बाद लॉस ऑफ लोकल हैबिटेट। तो लोकल हैबिटेट मतलब क्या, लोकल एरिया में जो स्पीसीज है वो हमें दिखती नहीं है,
ह्यूमन एक्टिविटीज, क्रिएट द थ्री टू माइग्रेटरी बर्ड्स एज वेल एज दोज एनिमल्स दैट नीड द लार्जर टेरिटरीज. तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज माइग्रेटरी बर्ड्स को भी, मतलब जो माइग्रेट हो रहे हैं अपने यहाँ पे, सपोज कौन सा बर्ड है, कुकू बर्ड है, तो कुकुड़ माइग्रेटरी बर्ड है, लेकिन वो अभी कम दिखने लगा, उसका आवाज कम सुनाई देने लगा, तो हम समझेंगे कि कहीं तो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से उनके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर बींग द लॉस्ट एट एन अलार्मिंग रेट. बहुत ही डेंजर वार्निंग सिग्नल देके, अलार्मिंग सिग्नल देके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी डिजनरेट होते जा रहे हैं. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज रिड्यूस अप टू 14% टू 6% ओवर द ईयर. एक एक साल में नियरली मिनिमम 6% टू 14% तक उनका लॉस होता जा रहा है. तो उन्होंने स्पीसीज दिए है विच स्पीसीज आर एट द लेवल ऑफ एक्सटिंक्शन और एक्सप्लॉयटेड होते गए है. तो एग्जाम्पल में देखो, डोडो बर्ड कहा है, फिर उसके बाद स्टीलर सी काउ कहा है, फिर उसके बाद पैसेंजर पिजन कहा है, जो माइग्रेटरी है. तो ये स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती गई है. ये पहला, ये दो तीन एग्जाम्पल. तो ये किसके एग्जाम्पल, किस में आया, ये जो फोर पिलर है उसी में, ये फोर पिलर में फर्स्ट वन इज दैट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, और फिर उसके बाद सेकंड जो है दैट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन. तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब ह्यूमन का इंटरफियरेंस उस एरिया में ज्यादा हो गया. ह्यूमन हैव अ टेंडेंसी टू एक्यूमुलेट बियॉन्ड देयर नीड्स. देखो इसका गुड एग्जाम्पल है, अभी आपको भी, आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है. आप मैं पहले एनिमल का, बर्ड्स का एग्जाम्पल देती हूँ. अगर बर्ड को बाहर किसी ने एक गोनी भर के रखा, चावल भर के रखा सपोज, तो बर्ड क्या करेंगे, बर्ड कभी भी देखो उनको कितना भी मिले वो कभी नेस्ट में जाके एक्यूमुलेट करके रखते हैं क्या, कभी भी नहीं करते. वो वहां से थोड़ा उठा के लेके जाएंगे, सबको समझ में आ रहा है ना मैं ये जो एग्जाम्पल बोल रही हूँ, वहां पे उठा के लेके जाएंगे और फिर बाद में उसको यूज करेंगे, फिर नेक्स्ट डे फिर उठा के लेके जाएंगे फिर यूज करेंगे. लायन और टाइगर ये सब स्पीसीज भी देखो, अगर उन्हें शिकार मिला तो उस दिन वो एंजॉय करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि अभी मुझे कल खाना है इसलिए मैं इस शिकार को 2 दिन के 4 दिन के 8 दिन के लिए स्टोर करके रखता हूँ और फिर बाद में खाता हूँ, ऐसा उनका नहीं रहता. अगर उनको 8 दिन भूखा रहना पड़े तो भी वो भूखे रहेंगे, लेकिन उनमें वो टेंडेंसी नहीं है कि दैट इज दे हैव टू स्टोर द फूड मटेरियल. लेकिन ह्यूमन बींग का कैसा रहता है, अभी आज मेरे पास 100 रुपीज है ना, आज मुझे काम में आ रहे हैं, तो मैं इसमें से 50 रुपीज अभी बचाऊंगा, खर्च करूंगा, और कल 50 सेव करूंगा, फिर परसों 50 सेव करूंगा. आपका भी ऐसा ही होता है. देखो अभी आपका डाटा पैक का प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो डाटा कैसा डिसाइड करेंगे, आज निकम मैडम कौन सा टॉपिक ले रही है, ट्यूशन में कौन सा टॉपिक चल रहा है. पर एक्चुअली मैं आपको फिर से बोलती हूँ कि ट्यूशन से भी ज्यादा कॉलेज के टीचर जो गाइडेंस देंगे ना, वो एग्जाम ओरिएंटेड इम्पोर्टेंट रहता है. They have so much experience, पर आपको बिलीव नहीं होता. मालूम है ये दो लेक्चर, दो लेसन अगर आपके कंप्लीट हो जाए ना, तो यू डोंट हैव नेसेसरी ऑफ मी. बस दो ही टॉपिक बाकी अपने, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और ह्यूमन रिप्रोडक्शन. उसके पीपीटी ऑलरेडी मैंने भेजे है, तो वो दो टॉपिक में पढ़ा के आपका, मतलब आपको फ्री करूंगी ताकि आप पढ़ते रहेंगे. तो उन्होंने यही एग्जाम्पल दिया है ओवर एक्सप्लॉयटेशन का, कि ह्यूमन एक्टिविटी इतना accumulate करती है कि beyond their need and that resulted to the over exploitation resource and it turn cause a threat to various organism. और इसका नतीजा क्या होता है, environment में जो बाकी के organism है उनके ऊपर crisis आ रही है, threat हो रहा है various organism. You can correlate this with a dearth of fish. We observe nowadays dodo bird, steeler sea cow and passenger pigeon are few examples of extinction due to over exploitation. तो इनका ज्यादा over exploitation होने की वजह से ये हो रहा है. तो देखो पहले भी populate species, अभी मैं जब छोटी थी तब भी हम देखते थे 20-25 रुपीज में 4-5 आते थे. अगर हमने अभी आपको बताया तो आप बोलेंगे मैडम जोक कर रही है क्या, अभी तो हमने कभी देखा नहीं, मिनिमम 100 रुपीज तो लगते होंगे. अभी मुझे आइडिया नहीं, पर मैंने देखा है कभी मार्केट में जाते हैं तो क्या क्या रेट में कोई कोई चीजें कैसी थी. तो इतना कुछ डिफरेंस नहीं आया, अभी क्या साल हो गए होंगे, शायद 20 ईयर्स हो गए होंगे या तो 15 ईयर्स हो गए होंगे. तो 15 ईयर्स में ये सब चेंज क्यों आया, बिकॉज द स्पीसीज आर रिड्यूस नाउ इन नंबर. तो उसके जगह हमको क्या बोलते हैं, बॉम्बे डक देखो, बॉम्बे डक तभी सस्ता है. इन फ्यूचर ऐसा होगा कि ये बॉम्बे डक स्पीसीज भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होती जाएगी, उनको ग्रो कौन करेगा, कल्टिवेट कौन करेगा. फिर उसके बाद थर्ड रीजन दिया है एलियन स्पीसीज ऑफ इन्वेशन. सो हियर व्हेन अ न्यू स्पीसीज गेट इंट्रोड्यूस इनटू एनी इकोसिस्टम,
एक्सीडेंटली और इंटेंशनली, कभी बाय चांस वो स्पीसीज न्यू आ गई एनवायरनमेंट में, या तो किसी ने जानबूझ के इंटेंशनली की, जैसे मैंने रानी रानीच्या बागेचं एक्झाम्पल सांगितलं होतं की कोणते पेंग्विन्स आणले. सो देअर आर द चान्सेस दॅट इट इम्प्रूव इट प्रूव द हार्मफुल फॉर एक्झिस्टिंग स्पीसीज. तो कभी कभी क्या होते, जो भी स्पीसीज है उनको हार्मफुल हो सकते. समटाइम्स इट कैन लीड टू द एक्सटेंशन ऑफ लोकल स्पीसीज. तो अगर हमने किसी बाहर के स्पीसीज को अंदर लेके आ गए, किसी अनवांटेड प्लांट को, इसे अनवांटेड एनिमल को लेके आए, तो उसकी वजह से वो जो ओरिजिनल स्पीसीज है वो डिजनरेट होती है. तो इसका गुड एग्जाम्पल है कैरेट ग्रास, दैट इज कॉल्ड एज अ पार्थेनियम. यहाँ पे आपको सबको मालूम नहीं होगा, अभी मेरे पास स्पीसीज भी नहीं है वो, उसकी वजह से ना वीट वैरायटी में ये पार्थेनियम ग्रास आया. एक्चुअली ये फॉरेन कंट्रीज से आया, जब हम लोगों ने वीट को एक्सपोर्ट किया था, तो जब भी वीट को एक्सपोर्ट किया था तो उसके साथ वीट का जो मीट मीट क्रिवाइसिस है उसके अंदर इसके स्पोर आ गए पार्थेनियम के. तो बहुत सारे फार्मर ने इस वीट को लगा दिया, लेकिन अब इस वीट को लगाने के बाद ये जो पार्थेनियम ग्रो हो गया है वो अभी भी पूरे के पूरे एरिया को कवर करके रखता है. कोई भी क्रॉप लगाओ उसमें पार्थेनियम ग्रो हो जाता है, और ये पार्थेनियम इतना न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब कर लेता है कि बाकी प्लांट्स को कम मिलता है. फिर उसके बाद यहाँ पे आजकल लैंटेना और कैमेरा, ये अभी आपको लैंटेना मालूम है कि नहीं मालूम है, ऐसे येलो कलर के और रेड कलर के फ्लावर आते हैं, बहुत ही फ्रेग्रेंस स्मेल आता है उसका, और उसके ऊपर बटरफ्लाई स्पीसीज ज्यादा दिखती है. फिर उसके बाद वाटर हाइसिंथ इकॉर्निया, तो उसमें ग्रो होने की वजह से उसका ऑक्सीजन डिफिशियंसी होने लगी उस एरिया की, और दैट इंट्रोडक्शन इज हार्मफुल टू अदर स्पीसीज ऑल्सो. इंट्रोडक्शन ऑफ प्रीडोंटर फिश एंड नाइल पर्च इन द लेक विक्टोरिया प्रूव द डेलेटेरियस फॉर 200 लोकल स्पीसीज ऑफ दी चाइल्ड फिश. उन्होंने ये कहा कि वहां पे जो ये लोकल स्पीसीज है इनका नंबर कम हो गया. तो ये सेकेंड रीजन हुआ, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो उसमें पहला आया हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, सब लोग सुन रहे हैं ना, एटलीस्ट वो तो रिप्लाई दो. सेकेंड रीजन आया ओवर एक्सप्लॉयटेशन. थर्ड रीजन आया एलियन स्पीसीज इन्वेशन, मतलब अनवांटेड स्पीसीज, एलियन आया ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, जो हमारे एरिया के नहीं है वो दूसरे एरिया से आए हैं, तो उस स्पीसीज को कहते हैं एलियन स्पीसीज. फिर उसके बाद को एक्सटिंक्शन. अब को एक्सटिंक्शन मतलब क्या कहा है, देखो एक्सटिंक्ट देखते हैं, वी आर अवेयर ऑफ थ्रेट ऑफ डाइवर्सिटी एंड लॉस ऑफ स्पीसीज फ्रॉम अर्थ. व्हेन एनी स्पीसीज इज टोटली इलिमिनेटेड फ्रॉम द अर्थ देन इट इज कॉल्ड एज एक्सटिंक्ट, वो है ही नहीं अर्थ के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि डायनासोर, डायनासोर स्पीसीज पहले थे पर अभी नहीं है, टोटली एंडेंजर्ड हो गए. व्हेन अ नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द स्पीसीज स्टार्ट ड्विनलिंग देन इट इज सेड एज ए एंडेंजर्ड. तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, आई हैव श्योरिटी फॉर दिस, ये बोर्ड में आ सकता है क्योंकि ये अलग टर्मिनोलॉजी है ना. तो एक्सटिंक्ट मतलब क्या, अभी है ही नहीं, और एट द डेंजर, DANGER है ना, डेंजर मतलब धोखा, अलार्मिंग सिग्नल. तो जो बता रहे हैं कि अभी हमें सरवाइव करो नहीं तो हम भी नहीं रहेंगे, हम भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. तो दे आर ऑन द बाउंड्री ऑफ द ड्विंडलिंग, दैट इज दे आर आइदर, मतलब थोड़ा भी उनको अगर केयर नहीं किया जाएगा तो वो लॉस्ट हो जाएंगे. तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, देखो वो आपको मिल गया उसका फुल फॉर्म IUCN का, जो वहां पे कैलकुलेट किए थे. तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस एंड रेड द टबुक आल्सो नोन एज अ रेड लिस्ट वेयर कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज आर रिकॉर्डेड. तो ये किस बेसिस पे हमें मालूम पड़ता है कौन सी स्पीसीज एक्सटिंक्ट है या एंडेंजर्ड है, तो इसका इंफॉर्मेशन IUCN में या रेड द टबुक में एंट्री किया जाता है. तो एनवायरमेंट में ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी प्लांट स्पीसीज है उसको इस बुक में एंट्री किया जाता है. तो इस बुक की एंट्री की बेसिस पे मालूम पड़ता है कि कितने स्पीसीज है कितने स्पीसीज नहीं. फिर उसके बाद जैसे मैंने एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड कहा, द वाइल्ड कैटेगरी कंटेनिंग दिस स्पीसीज हुज नंबर फास्ट, उसका डिक्लाइन हो रहा है, पॉपुलेशन कम होते जा रहा है इसकी वजह से. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या कहा है, वल्नरेबल स्पीसीज, अ कैटेगरी कंटेनिंग दो स्पीसीज
that poses a very high risk of extinction as a result of rapid population decline 30 or more than 50% over the previous 10 years. तो vulnerable क्या है कि just 3 generation तक को calculate किया गया है. फिर उसके बाद near, मैडम इसमें से हमें कौन सा करना है? मैंने वही बोला, इसमें से मेरे हिसाब से दो ही आएंगे, एक extinct और एक endangered species. लेकिन उनके दोन बीच वाला भी और उसके बीच 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 से जाके not evaluated. A category used to include any of nearly 1.5 million species described by scientists but not asserted by IUCN. तो IUCN book में उसका assert affirmative नहीं मिला है, उसका confirmation नहीं मिला है, लेकिन वो scientist में nearly 1.9 में उस species को डाल के रखा है. तो that species is called as a not eval. Evaluation कब लेंगे? जब उसका कुछ होगा ना. देखो अभी NK Junior College में आप सब लोग 63 स्टूडेंट्स है मेरे बायो के. अगर आपका नाम 11 साइंस 12 साइंस के कैटलॉग में है तो ये आप नॉमिनेटेड है. कोई भी 11 12 साइंस बी का स्टूडेंट नॉमिनेटेड नहीं रहेगा. तो नॉमिनी होना चाहिए ना, उसका नाम कहाँ पे है वो कंफर्म होना चाहिए. तो आपका नाम कंफर्म कहाँ है उसी के बेसिस पे इवेल्यूशन होगा. सो नॉट इवेल्यूटेड दो ऑल ऑफ योर स्टूडेंट 11 साइंस ए का भी बी का भी सी का भी डी का भी स्टूडेंट ही है, लेकिन ए के स्टूडेंट को ही I am responsible, all of you are responsible. तो इस तरह से different species के बारे में बताया गया. फिर उसके बाद conservation and biodiversity. Why to conserve the biodiversity? क्यों हमें species को conserve करना है? क्यों चाहिए हमें ये सारे species? तो narrowly utilitarian reasons. तो उन्होंने कहा है कि उसका utility किस तरह से होगा? उस तरह से. कौन सा basic need है हमारी? फूड क्लोथ शेल्टर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक द रेजिन टैनिन परफ्यूम बेस एक्सेट्रा. एस्थेटिक यूज ऑफ ऑर्नामेंट्स, हम लोग बोलेंगे थोड़ा ऑर्नामेंट के लिए, कोई डेकोरेटिव पर्पस के लिए. फिर उसके बाद मेडिकल मेडिसिनल यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो ये मेन मेजर फैक्टर है कि जिसके लिए हमें वो स्पीसीज को मेंटेन करके रखना है. क्या यूटिलिटी है उस स्पीसीज की? अगर वो स्पीसीज सपोज कॉटन ही नहीं रहेगा तो कॉटन के कपड़े नहीं आएंगे. सपोज कॉटन के कपड़े नहीं रहेंगे तो क्या होगा? तो मोस्टली देखो आर्म पीट और ग्रोइन वहां पे देखो, मतलब रियली बोलना जाए तो गर्ल्स को भी और बॉयज को भी, कि मोस्टली जो अंडरवियर कपड़े है वो हम लोग कॉटन प्रेफर करते. क्यों? वहां पे मॉइस्चर ज्यादा रहता है. तो मॉइस्चर ज्यादा है तो वहां पे इन्फेक्शन ना हो, इसलिए मोस्टली हम बहुत ही केयरफुली कॉटन प्रेफर करते. लेकिन बाहर दिखाने के लिए हम ऊपर का कपड़ा कौन सा भी प्रेफर करते हैं, अट्रैक्टिव लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा. लेकिन हम कितने टाइम के लिए वो कपड़ा डाल सकते हैं? एक दिन, दो दिन, कंटिन्यूअस. अगर वो नायलॉन वाला कपड़ा रहेगा तो हमको इरिटेशन होता है, स्किन में कुछ प्रॉब्लम होता है. तो व्हाट वी प्रेफर, अ नेचुरल कॉटन प्लांट का ही कपड़ा प्रेफर करते हैं. तो लेकिन अगर कॉटन होगा ही नहीं तो आपको डिपेंडेंसी होगी नायलॉन पे, फिर उसकी वजह से आपको बाकी के स्किन के प्रॉब्लम्स आते जाएंगे. फिर उसके बाद शेल्टर के लिए भी देखो, अगर शेल्टर ही चाहिए तो मोस्टली किसी ने वुड के घर में जाके दो दिन के लिए रहो तो आपको मालूम पड़े, वहां पे फैन की जरूरत नहीं, वहां पे एसी की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है. वहां पे गर्मी भी नहीं होगा, ठंडी भी नहीं लगेगा. सो दैट वुड मेंटेन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉइस्चर. तो इस तरह से मतलब शेल्टर इवन वो भी नहीं होगा तो भी कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले हम वुड का ही यूज करते हैं. जैसे बांबू है उसे ब्रिक ब्रिक को बांधने के लिए, लगाने के लिए आर्टिफिशियली सपोर्टिव सिस्टम तो हम वुड का ही लेते हैं. तो यहाँ पे कहना क्या है कि यूटिलिटेरियन रीजन है कि बायोडायवर्सिटी को हमें यूज करना है तो वो पहले मेंटेन करना पड़ेगा. फिर ब्रॉडली यूटिल ये मेन हो गया. ब्रॉडली यूटिलिटेरियन रीजन क्या कहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमना पड़ेगा टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर एंड ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन वी ब्रीथ विथ ईच ईज. ये हर एक पर्सन को इतना इजीली जो ऑक्सीजन मिल रहा है, जस्ट बाहर जाके ऑक्सीजन सिलेंडर का कॉस्ट मालूम कर लो तो आपको मालूम पड़ेगा वॉट द प्लांट्स आर गिविंग टू अस. दैट इज ब्रॉडली यूटिलाइजिंग. Amazon forest is estimated to produce 20% of total oxygen of earth atmosphere. तो अगर वो नहीं रहेगा तो बिना ऑक्सीजन का हम कहां से ऑक्सीजन सिलेंडर प्रेफर करेंगे. तो कभी कभी ऐसा होगा मनी मनी एवरीवेयर बट वी नॉट एबल टू टेक अ सिंगल ड्रॉप ऑफ सिंगल क्या करेंगे सिंगल ब्रीथ ऑफ ऑक्सीजन. हमें एक सिंगल ब्रीथ ऑफ ऑक्सीजन भी नहीं रहेगा इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी इफ द प्लांट्स आर नॉट मेंटेन. उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, मतलब ये बच्चों में मोरल डालने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट दिया है.
फिर उसके बाद थर्ड है इथिकल रीजन। इथिक्स कुछ कहते हैं ना, कुछ मोरल कहते हैं ना। तो फॉर एग्जाम्पल कल मैंने एक वीडियो देखा था, मैं आपको भी भेजती हूँ। उसमें एक वीडियो है, मतलब एक रिक्रूटमेंट एंटरटेनमेंट के लिए। उस वीडियो में दिखाया है कि वो स्पाइडर वेब रहता है ना, वो अपने एनिमी को पकड़ने के लिए क्या करता है, वेब बनाता है। तो जैसे एनिमी उसके अंदर आएगा तो एनिमी को ट्रैप करके वो स्पाइडर वेब उसको खा लेगा। लेकिन उसमें क्या होता है, एक एम्फीबिया, सबको समझ में आ रहा है ना, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? उसमें एक एम्फीबिया ट्रैप होता है, एक छोटा सा टोड फ्रॉग बोलेंगे ना, वो ट्रैप होता है। तो वो ट्रैप होने के बाद क्या होता है, वो फ्रॉग एकदम छिटपिटा जाता है, और यहाँ पे वो जो स्पाइडर वेब है वो उसके पास उसे खाने के लिए जाता है। जैसे खाने के लिए जाता है तो उसे समझ में आता है कि ये मेरे लिए यूजफुल नहीं है, दिस इज समहाउ टॉक्सिक, एम्फीबिया मेरे लिए टॉक्सिक है। तो वो स्पाइडर वेब है वो उसे वहां पे छोड़ता नहीं, वो सोचता है कि अगर ये मेरे लिए यूजफुल नहीं है, ये मेरा फूड नहीं है, तो मैं इसे यूज नहीं करूंगा। तो वो स्पाइडर वेब उसे वहां से फ्री करता है और वो फ्रॉग फ्री हो जाता है। तो नेचर भी अगर इतना इथिक्स लेता है, आपको थोड़ा भी फील नहीं होता क्या रे कि निकम मैडम रोज रेगुलर लेने की कोशिश कर रही है, कुछ अभिनव की वजह से रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपको थोड़ा तो फील होता है। तो आपको लगता है, तो जो फील होने वाले स्टूडेंट्स है वो ही लेक्चर सुन रहे हैं एक्चुअली। ये भी ट्रू है कि जिनको अच्छा लगता है, हाँ मैडम ले रही है, एफर्ट्स ले रही है, वो ही रेगुलर है। और एक्चुअली ना फ्राइडे को यहाँ पे बोईसर एरिया में ना नेटवर्क इशू, मतलब क्या बोलेंगे, लाइट नहीं है, तो नेटवर्क इशू भी है और बैटरी का भी प्रॉब्लम आ रहा है। जो स्क्रीन बिल्कुल नहीं दिख रही है मुझे, आपको दिख रही है क्या? भले ना कि तो भी चले, आपके पास टेक्स्ट बुक है ना, सबके पास है। ये इथिकल रीजन बताने में, तो इथिकल रीजन टू सर्वाइव इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर नोन और कैसे कंडीशन कर सकते, वो भी अच्छा पॉइंट है। इन सिटू एंड एक्स पुतिन का जो है ना, बी 20 का ओके, थैंक यू अभिनव। देखो, दिस कंजर्वेशन इज कॉल्ड एज ए कंजर्वेशन, सो मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ एक्शन एट होम अराउंड, मतलब जो एरिया रहेगा, तो बायोडायवर्सिटी में क्या है। हाँ, ये सभी क्लियर आया स्क्रीन? तो इंडिया हैज थ्री ऑफ द वर्ल्ड्स बायोडायवर्सिटी, दैट इज हॉटस्पॉट एरियाज, हाई डेंसिटी बायोडायवर्सिटी। कहाँ पे है इंडिया में? तो वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा एंड ईस्टर्न हिमालयाज। तो ये तीन जो एरिया है, लोकेशन है, वहां पे बहुत सारे स्पीसीज ऑफ प्लांट्स हैं। एट प्रेजेंट 14 बायोस्फीयर रिजर्वर्स, दैट इज 19 नेशनल पार्क। ये जब नॉलेज ओरिएंटेड पॉइंट आया, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दीज आर प्रेजेंट इन इंडिया। और महाराष्ट्र में कितने हैं? 5 नेशनल पार्क्स एंड 11 सेंचुरीज। तो इस तरह से एक इंफॉर्मेशन दिया है। फिर उसके बाद क्या कहा है, इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन आर ऑलवेज कनेक्टेड विथ नेचर। हम लोग बहुत लकी है रियली, हमारा कल्चर, हमारे ट्रेडिशन, ये सब नेचर को कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल श्रावण मंथ आता है तो श्रावण में कुछ फेस्टिवल रहता है। अभी मार्गशीर्ष आता है तो मार्गशीर्ष में भी कुछ फेस्टिवल्स के रहते हैं ना, कुछ पूजा वगैरह करते हैं। फिर उसके बाद छठ पूजा होता है तो उसमें भी रहता है। देखो, तो प्लांट्स के कांटेक्ट में जाना और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना, ये इंडियन कल्चर है। ट्रेडिशन आर ऑलवेज कनेक्टेड विद नेचर एंड रिचुअल आर लेड टू प्रोटेक्ट द बायोडायवर्सिटी इन मेनी कल्चर। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है दिस, देखो यहाँ पे द नेम ऑफ ऑलमाइटी विच आर कॉल्ड एज ए सैक्रेड ग्रोव्स। तो ये जो नेचुरल बायोडायवर्सिटी, जो कल्चर मेंटेन करते हैं फॉरेस्ट को, उन्होंने नाम दिया है सैक्रेड ग्रोव्स करके।
सच सेक्रेट ग्रूव्स आर फाउंड इन खासी जयंतिया हिल्स इन द मेघालय वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र कर्नाटक अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान एंड बसतपुर चंद एंड दी सरगयू सॉरी सरगुजा एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश. तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो मेनी कल्चर जो स्पीसीज है फॉरेस्ट के प्रोटेक्ट किए गए हैं, तो उन्हें सैक्रेड ग्रूव्स कहा है और वो कहाँ कहाँ है, उनका लोकेशन कहाँ है उसके बारे में दिया है. फिर उसके बाद अबे आपको इन सिटू समझ में आया. एक्स सिटू मतलब क्या? कंजर्वेशन बाय द माइट एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बींग व्हेन द स्पीसीज आर क्रिटिकली एट द डेंजर लेवल एंडेंजर्ड लेवल पे जा रही है, तो उस स्पीसीज को आप लेके आएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, उनको सर्वाइबिलिटी दिखाएंगे एंड प्रोटेक्शन आर्टिफिशियली दैट इज कॉल्ड एज एक्स सिटू कंजर्वेशन. This type of living beings are protected away from their natural habitat in a special setting, and that special setting is called as a wildlife safari park, zoological called as a access to conservation. फिर उसके biological diversity act किया गया है, कौन सी प्रॉपर्टी को कितने, लेकिन क्या हाल में इंसान है अपना रिक्रूट अपने